दोस्तों, प्रकृति के अनमोल खजाने में से आज मैं आपको एक अद्भुत जड़ी बूटी का दर्शन कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस लता को पहचान लीजिए। दिल के आकार के इसके सुंदर पत्ते हैं और ये बहुत फैलती है। इसको किसी भी शाखा को तोड़ने पर दूध निकलेगा। इसे सुंदर आकार वाले गुच्छों में पुष्प लगते हैं। पुष्प के बाद इस पर फलियाँ लगती है जो कांटेदार होती है और दो दो जोड़े में होती है। इसे तोड़ने पर भी दूध निकलता है। ये जब सूख जाती है तब अंदर से रेशम की समान रेशे निकलते हैं। ये हवा में उड़ते रहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ठंडी प्रकृति की बेल है। दोस्तों, ये उत्तरण की बेल है। इसे हिंदी में उत्तरण और सगोनी से जाना जाता है। इसे हिंदी में उत्तरण, मोतीफल और सगोनी से जानते हैं। प्रकृति के सभी प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान के लिए और इसकी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों और स्नेहीजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। उत्तरण की बेल वर्षा ऋतु में अपने आप उत्पन्न होती है और ये लगभग सारे भारतवर्ष में पाई जाती है। ये साल भर रहने वाली बेल है और इसका फैलाव जबरदस्त होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये औषधि स्वाद में तिक्त, पचने में लघु और व्रण को भरने वाली होती है। इसके अलावा ये स्निग्ध, लघु, आँखों के लिए हितकारी और बवासीर में फायदेमंद होती है। दोस्तों, ये कफ, पित्त, शामक, दमा को मिटाने वाली, ज्वर को दूर करने वाली होती है और पेशाब की जलन मिटाती है। दोस्तों, ये जहर को भी दूर करती है, इसलिए संस्कृत विद्वानों ने इसका एक नाम विषाणु का भी रखा है। इसके अलावा ये कब्ज मिटाती है और पाचन शक्ति को तेज बनाती है। दोस्तों, मलेरिया या किसी भी प्रकार का ज्वर होने पर उत्तरण की जड़ को साफ करके इसके साथ हरड़ चूर्ण और मिश्री संभाग मिलाकर गर्म जल के साथ पिए। दिन में दो बार खाली पेट ये प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का ज्वर उतर जाता है। दोस्तों, इसके पत्तों को कूटकर इसका रस तलवे पर लगाने से भी गर्मी दूर होती है और बहुत फायदा होता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी त्वचा रोगों में भी काफी फायदेमंद होती है। इसके पत्तों को पीसकर फोड़ा पर लगाने से और ऊपर से पुलटिस बांधने से फोड़ा जल्द ही पक कर फूट जाता है। दोस्तों, अगर कोई अर्स और बवासीर से पीड़ित है तो इसके पत्तों को घी में तलकर 3 से 4 दिनों तक लगातार खाए। इससे खूनी बवासीर नष्ट हो जाता है और अर्स में बहुत फायदा होता है। दोस्तों, सफ़ेद दाग एक ऐसी समस्या है जो त्वचा की सुंदरता को नष्ट करती है। सफ़ेद दाग होने पर इसके पत्तों का दूध लगातार लगाते रहने से सफ़ेद दाग लगभग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई जोड़ों के दर्द या संधिवात से परेशान है तो इस बेल के पत्तों का रस निकालें और नींबू के रस के साथ मिलाकर 10 से 15 मिली की मात्रा में पिलाएं। इसके साथ ही इसके पत्तों को गर्म करके इसका लेप बनाकर संधि स्थान पर लगाएं। इससे जोड़ों के दर्द में जल्दी ही आराम हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई छोटा बच्चा पेट की कृमि से परेशान है तो इसके पत्तों का क्वाथ बनाकर पिलाए। इससे पेट की कृमि नष्ट हो जाती है। दोस्तों, ये बेल खून के बहाव को रोकती है। अगर किसी को रक्तस्राव की समस्या है तो इसके पत्तों को घी में तलकर खिलाए। चाहे खूनी बवासीर की समस्या हो या मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव की समस्या, दोनों में जल्दी ही फायदा हो जाता है। दोस्तों, इसके पत्तों का रस निकालकर एक एक चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करने से कफ निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।